मनमोहन सिंह पर निर्मला सीतारमण का पलटवार सामने आया है। दरअसल खराब अर्थव्यवस्था को लेकर मनमोहन सरकार की देन उसको बतलाया गया है निर्मला सीतारमण के जरिए और कहा है कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो मनमोहन सरकार में घोटाले होते थे, अर्थव्यवस्था तेजी से अब आगे बढ़ रही है। वहीं किसी खास अवधि में कब और क्या गलत हुआ याद करना बेहद जरूरी है। तो जिस तरह से लगातार अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, विपक्ष हमलावर हो रहा है और इस बीच हमने देखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से कई बार अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बातें सामने रखी थी और एक चिंता को जाहिर किया गया था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिर रही है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इसे कंट्रोल भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है मनमोहन सिंह के उन बयानों को लेकर और कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आपको अपनी सरकार के वक्त में यानी कि एक खास अवधि कब और क्या गलत हो जाती है ये याद यहां पर करना बेहद जरूरी है। तो निर्मला सीतारमण का पलटवार मनमोहन सिंह पर हुआ है और कहा है कि खराब अर्थव्यवस्था जो है वो दरअसल मनमोहन सरकार की ही देन है, तो ऐसे में हमारी सरकार पर कुछ ना बोले और हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। Has been in office for 5.5 years. It should have learned from our mistakes and provided credible solutions to those problems which are still affecting our economy. Nirav Modi and other people who ran away with bankers, with the public money, you cannot claim year after year that the fault lies with the UPA. You have been in office for 5.5 years, and that's long enough period for a government which is committed to public welfare to do some credible thing.